दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक किशनलाल शर्मा को पुलिस कमिश्नर के निवास स्थान के समक्ष धरना देना पड़ा। गौरतलब है कि किशनपुरा क्षेत्र से एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में युवक और उनके परिजनों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार का साथ देते हुए ये धरना दिया है। इसी के चलते किशनलाल शर्मा पुलिस कमिश्नर युरेंद्र सिंह हेयर से मिले। इस दौरान युरेंद्र सिंह हेयर ने पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। इलाके की लड़की सी जड़ी पिछले हफ्ते तो चले गई सी। इन्हां लोगों ने महल्ले वाले ने सारे समाज ने विरोध प्रदर्शन भी किया सी, पर उस तो बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रवि थापर जी है, किशन लाल जी है, कमिश्नर साहब के ध्यान च मामला लिया। रात को कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं तुहानू 24 घंटे जिहड़ा है इहदा रिजल्ट देवांगा। बहुत ही माड़ी गल है कि 10 दिन हो गए, लड़की का कुछ अता पता नहीं है। जो तो कमिश्नर साहब तक गल पहुँचती है तो हूँ हर अफसर जड़ा है वो इन्होंने लड़की परिवार के नाल संपर्क कर रहा है। और असी कमिश्नर साहब को यही मांग कर आए हैं, जे इन्हों की कुड़ी जिन्हें ये लोग कह रहे थे कि साड़ी कुड़ी मार दी है, ये बारे रात इन्होंने गल कही कि साड़ी कुड़ी मार दी है। इस दे बारे जेकर वो कुड़ी है कित्थे है, किदां दी हालात च है, जो उन्हें ब्याह कराया, की कराया, ना कम से कम परिवार को पता तो लगे कितने है।